कैसे हो आप? ईश्वर की कृपा से आप सब अपने अपने स्थानों पर कुशल मंगल हो गए। मैं लता शर्मा अपने चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आप देख सकते हैं मैंने कट पीस से जो है बहुत सारी जो है छोटे बच्चों की जो है ड्रेस से जो तैयार की हुई है। तो आप भी अगर आपके पास जो सूट से कोई कपड़ा बच जाता है तो उससे आप इस तरह से छोटे बच्चे के लिए सूट डेकोरेट कर सकते हैं। जिस तरह से आप देख सकते हैं ये सलवार कुर्ता बनाया हुआ है और इसमें यहाँ से जो है कट पीस यूज किया हुआ है, तो ज्वाइंट लगाया वहां पर मैंने सलवार की पाइपिंग लगाई हुई है। तो ये जो ये वाला सूट है ये जो है 10 या 8 वाले बच्चे के लिए, 8 साल के बेबी के लिए बिल्कुल इजिली तरीके से तैयार किया हुआ है। 8 साल के बेबी के लिए आ जाएगा और इसमें डोरी भी इसी तरह से लगाई हुई है ताकि अगर लूज है किसी भी साइज की बच्ची के लिए जो है इजिली आ जाएगा। लूज है तो इसमें डोरी है लगाई हुई, उससे टाइट कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं इसके साथ मैंने सलवार बनाई हुई जो कितनी सुंदर बनी हुई है। सलवार कुर्ता जो है छोटे बच्चे में बहुत ही सुंदर लगता है। उसी तरह से ये पजामी सूट बनाया हुआ है, इसमें ये भी सेम जो है ये 7 और 8 साल के बच्चे, ये जो है 8-9 साल के बच्चे के लिए है बनाया हुआ। और ये भी कॉटन का है, इसमें मैंने डोरी नहीं लगाई है क्योंकि जो है ये स्किन के साथ अपने आप ही टच हो जाता है। और इसी तरह से पजामी बनाई हुई है, पजामी के लिए कपड़ा कम था, मैंने यहाँ पर इसमें म्यानी लगाई हुई है। अब आप ये देख सकते हैं ये सबसे ज़्यादा यूनिक सूट तैयार किया हुआ है, कितना सुंदर है ये। ये देखिए ये न्यू डिज़ाइन बना हुआ है, इसमें चौक भी बनाए हुए आप देख सकते हैं, डोरी भी बनाई हुई, यहाँ से प्लेटें बनाई हुई, यानी कि ये जो है ये कुर्ती फ्रॉक की लुक भी देगा और कुर्ती की भी, इसके साथ प्लाजो भी उसी तरह से बनाया हुआ है। और ये जो है ये सूट भी जो है 8-10 साल के बच्चे के लिए आसानी से हो जाएगा। तो इसमें भी आप देख सकते हैं कम कपड़ा था तो मैंने यहाँ पर कम कपड़े में यहाँ पर पाइपिंग लगाकर सलवार के कपड़े की पाइपिंग लगाई है दोनों साइड से और कपड़े को बढ़ा दिया है, दोनों साइड से लगाई हुई है। और सिंपल तरीके से आपको जो अगर स्टिचिंग करनी है कट पीस की या कैसे भी, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो है इसका जो है लिंक शेयर कर दूंगी। और ये सलवार भी आप देख सकते हैं कितनी सुंदर बनाई हुई है। और ये डिज़ाइन तो ये जो है 12 और 13 साल की बेबी के लिए इजली आ जाएगा। और इसमें देखिए प्लाजो भी कितना सुंदर बना हुआ है, यूनिक सा डिज़ाइन है। उसी तरह से ये जो है 7-8 साल की बेबी के लिए बनाया हुआ है, इसमें भी ये प्लाजो है, इसमें नीचे जो है ये देखिए म्यानी से जो है आसन का फेर इसमें बढ़ाया हुआ है। और यहाँ से नीचे आप देख सकते हैं लेस लगाकर इसी प्लाजो की ही इससे कुर्ती की कुर्ती को बढ़ाया हुआ है। और अब ये देखिए ये जो है 14 से 13 साल की बेबी के लिए प्लाजो देखिए फुल साइज का है, इसमें जो है प्लाजो की जो लेंथ है 35 है तो पूरे आ जाएगा। और इसी तरह से कुर्ती की भी जो है 35 ही लेंथ है। अब ये देखिए ये 8 साल की बेबी के लिए प्लाजो सूट है। इस तरह से आप डिजाइन डेकोरेट कर सकते हैं। ये देखिए ये भी कट पीस का बहुत कम पीस था, इसमें जो 6 और 7 साल के बच्चे के लिए आसानी से आ जाएगा। इसमें मैंने सलवार बनाई हुई है और कट पीस को पाइपिंग के जरिए यूज किया हुआ है। ये जो है गर्म सूट है तो इसमें भी आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर कम कपड़ा था तो हमने नीचे ऐड नहीं किया है, ऊपर ही ऐड किया है दोनों साइड से, और एक सुंदर सा प्लाजो सूट तैयार कर दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है 2 और 3 साल के बच्चे के लिए जो है 3-4 साल के बेबी के लिए भी इजिली आ जाएगा। इसमें भी डोरी लगाई हुई है। ये जो है ये जो बहुत ही सुंदर पजामी सूट बना हुआ है ये जो है 1 और 2 साल के बेबी के लिए बना हुआ है। इसी तरह से ये भी 1 और 2 साल की बेबी के लिए देखिए कितना सुंदर जो है चिकन का एक कपड़ा है सूट तैयार किया हुआ है। इसी तरह से आप देख सकते हैं ये जो है कुर्ती किस तरह से बहुत ही यूनिक तरीके से डेकोरेट की हुई है। आप इसमें देख सकते हैं किस तरह से इसमें जो है बॉडी के लिए अलग से इसमें डिजाइन इसी का बनाया हुआ है ताकि जो कुर्ती की लुक अच्छी आए। और इसी तरह से पाकिस्तानी प्लाजो बनाया हुआ, इसमें जो है कुर्ती का कपड़ा यहाँ पर ऐड किया हुआ है तो कितना सुंदर लगा हुआ है। ये जो ये पीस है ये जो है 8 से 10 साल के बच्चे के लिए बिल्कुल आराम से आ जाएगा। उसी तरह से ये भी सूट कितना सुंदर डेकोरेट किया हुआ है, तो ये भी छोटी बेबी के लिए है, ये भी 10 से 12 साल के बच्चे के लिए इजीली हो जाएगा। इसमें भी पाकिस्तानी प्लाजो ही बनाया हुआ है, आप चाहे तो अगर लेस यहाँ पर भी ऐड कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर भी मैंने ज्वाइंट लगाया हुआ है, लेकिन अभी मैंने यहाँ पर ही ऐड किया हुआ है। ये डिजाइन तो सबसे ही सुंदर अलग लुक दे रहा है, देखिए ये जो है 13 से 14 साल के बच्चे के लिए आसानी से आ जाएगा। तो इसमें कितनी अच्छा डिजाइन डेकोरेट किया हुआ है, ये प्लाजो सूट बनाया हुआ है सेम उसी तरह से। एक और ये देखिए ये फ्रॉक की लुक भी दे रहा है और इसमें जो आप देख सकते हैं चौक भी बनाए हुए हैं दोनों साइड से, तो ये जो है बच्चे में जो है 8 या 10 साल के बच्चे के लिए आसानी से आ जाएगा। इसमें भी पाकिस्तानी प्लाजो ही बनाया हुआ है।
आप इस कुर्ती की जो है लुक देख सकते हैं, सबसे अलग लग रही है क्योंकि व्हाइट कलर आपको पता है कितना सुंदर लगता है, तो इसमें भी डिजाइन डेकोरेट किया हुआ है। आप देख सकते हैं कितने सुंदर जो है ये कुर्तियां डेकोरेट की हुई है। आप इस तरह से कट पीस से कुछ भी बना सकते हैं। आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।